नमस्कार, मैं शिप्रा विश्वकर्मा। मैं आप लोग को सभी को स्वागत है मेरी चैनल, मेरे कुकिंग चैनल में आप लोग को सभी को स्वागत है। मैं आज एक बहुत खास रेसिपी लेकर आई हूँ, देखिए आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी। और देखिए मैं क्या आज मैं पोच बनाकर मोगलाई बनाऊंगी। खाने में बहुत ही सॉफ्ट भी होती है और खस्ता भी होता है, जो खाने में बहुत मज़ेदार लगता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है और खाने में बहुत ही मस्त लगता है। देखिए मैं अब थोड़ा मैदा ले रही हूँ, मैदा में थोड़ा नमक और मोयम डालकर मैं इसका आटा लगा लूँगी। तो पानी डालकर मैं इसका तो सॉफ्ट डो बनाऊंगी। मैं आटा लगा ली, मैं इसको 8 हिस्सा में बांट ली हूँ। आई कॉर्न स्टार्च है, कॉर्न स्टार्च को मैं थोड़ा पानी डालकर इसको एक तो घोल बना के रख दी हूँ साइड में। देखिए घोल बनकर तैयार हो गई है। अब अंडा है, प्याज है, हरी मिर्ची है, टमाटर है और गोलमिर्च पाउडर है, थोड़ा मिर्ची पाउडर है और थोड़ा जीरा पाउडर है। और देखिए मैं बड़ा सा एक रोटी बना, मैदा का बड़ा रोटी बना ले रही हूँ, पतला करके मैं एक रोटी बना ले रही हूँ। तवा में ऑयल ब्रश कर दे रही हूँ, ऑयल ब्रश करके मैं इसमें रोटी डाल दे रही हूँ, मैदा का रोटी मैं डाल दी। और देखिए मैं प्याज लहसुन टमाटर हरी मिर्ची मैं डालकर बीच में अंडा मैं डाल दी, बीच में अंडा डाल दी। और देखिए इसके ऊपर से नमक गोलमिर्च और जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर मैं ऊपर से छिड़क दे रही हूँ। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। हाँ देखिए, और थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च जो घोल बना कर रखी थी उसको मैं साइड से चारों तरफ मैं लगा दे रही हूँ ताकि वो अंडा बाहर नहीं आए। ऊपर से मैं दूसरा रोटी भी इसमें चिपका दी और कांटा चम्मच से मैं चारों तरफ इसको चिपका दे रही हूँ। इसको थोड़ा देर के लिए गैस थी मार्च में छोड़ देना पड़ता है। देखिए देखने से ही आप लोगों को पता चल जा रहा है जे कितना नरम हुआ है, लेकिन वो फ्राई करते करते वो एकदम खस्ता भी हो जाएगी और नरम भी रहेगी, अंदर में बहुत अंदर में अंडा कुक भी हो जाएगी, पोच बनकर तैयार हो जाएगी। और देखिए कितना सुंदर फूल रहा है। मैं एक एक करके बना के रखी हूँ, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और आप लोग खुद खाइए, बच्चा लोग को खिलाइए, बड़ों लोग को खिलाइए, सभी को बहुत पसंद आने वाली है। और मैं इसी तरह बनाकर देखिए मैं सर्विंग प्लेट पर मैं सर्व कर रही हूँ, सॉस के साथ सलाद के साथ सर्व कर दे रही हूँ। आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करके मुझे उत्साहित करिए। आप लोग को मेरा विश्वास है आप लोग को सभी को अच्छा लगेगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टफुल लगती है। आप लोग तो बहुत तरह का रोल मुगलाई खाए होंगे, इस बार इस तरह का मुगलाई बना के खाइए। देखिए मैं काट कर भी मैं दिखा रही हूँ, बीच में ही योक जो है वो बीच में ही है, वो एकदम खूब सुंदर से कुक हो गया है, मैं काट कर दिखा दे रही हूँ। और देखिए योक बायां तरफ, देखिए योक कितना सुंदर एकदम एक जगह स्थिर है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है खाने में, बच्चा लोग बहुत खुशी खा लेगा। और देखिए मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।